जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट शर्मी दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माँ जी आरती। ये बच्चे भी ना कुछ भी लिख देते और फिर कहते हैं कि टीचर ने फेल कर दिया। मुझे तो लगता है ऐसी कॉपी उन बच्चों के माँ बाप को भेजनी चाहिए और फिर कहना चाहिए कि देखिए आपके बच्चे पढ़ाई का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। माँ जी, सारे बच्चे एक जैसे हो वो तो संभव नहीं है ना। बात तो सच कही तुमने। अच्छा सुनो। हाँ? जरा देखो विनोद अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ है, और लगता है तुम्हारी बहन भी अब तक सो रही है। जी मैं भी देखती हूँ। अरे प्रिया, तुम तो पूरा नाम लेने से पहले ही आ गई। वो क्या है ना, अब मुझे पता चल गया है कि आपको मेरी कब कब जरूरत पड़ती है। प्रिया मेरे जूते। पहले आरती तो ले लीजिए। आपके जूते मैंने पॉलिश करके कमरे के बाहर रख दिए। तो बच गए, वो लोग गए नहीं अभी तक। वो कोई फैक्ट्री के साइरन नहीं है जो रोज 9 बजे बजेंगे। तू ना मरवाएगी, दे इसे। आया क्या यार? और सुन, अगर मेरे जाने के बाद तूने एक और सिगरेट जलाई ना, अरे माँ जल्दी करो हमें देर हो रही है। चले माँ। तुमने सिगरेट पी? सिगरेट? मुझे सिगरेट की बू आ रही है। माँ मैं कहाँ सिगरेट। अरे माँ जी, मुझे लगता है कोई पड़ोस में पी रहा है, मुझे भी थोड़ी बदबू आई। ये लीजिए आपकी टिफिन। थैंक यू। और माँ जी, मैंने टिफिन में 3 रोटियां पैक कर दी हैं, आप याद से खा लीजिएगा। कल डॉक्टर ने कहा था ना कि आपको लंच में 3 रोटियां खानी चाहिए, ये लीजिए। और आपकी अस्थमा वाली पंप भी खत्म होने वाली थी ना, मैं एक नई ले आई, अपने हाथ के पास ही रखिएगा, ये लीजिए। चले माँ। चल। भर के लिए जान साला यहाँ पे सांस लिया जाएगा। चंदा, ए चंदा, आज 2 से 4। हाँ
खुशबू गुप्ता जी आलू गोभी क्या बात है लीजिए ना सिंह साहब क्या स्वाद है मजा ही आ गया भाभी जी के हाथों में ना स्वाद का जादू है जादू मुझसे तो यार कंट्रोल ही नहीं हो रहा तो दौड़ लीजिए ना नहीं गुप्ता जी नहीं 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 आपका ही है अरे सिंह साहब लीजिए शर्माइए मत अच्छा आप इतना कह ही रहे हैं तो सिंह साहब गुप्ता जी आप तो मेरे चटोरे बन के करके भूखे रह गए नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सिंह साहब ऐसे नहीं अब एक काम करिए चौरसिया के पास चलते हैं आपको छोले भटूरे खिलाता हूँ छोले भटूरे सिंह साहब एक्चुअली मैंने ना बाहर का खाना खाना बंद कर दिया है कब से जब से आपकी भाभी आई है ना तब से मेरे गुप्ता जी क्या बात है मैं कुछ ना कुछ लाता हूँ तुम्हारे लिए यार ऐसे भूखे अच्छे नहीं लगोगे क्या बात है हुजूर बड़े दिन लगा दिए इस पर आने में हमारी याद नहीं है याद तो बहुत आई पर हम आ नहीं पाए चलिए बहाने छोड़िए आइए बड़े बहाने बनाते हैं बैठिए अब बताइए पहले शराब का मजा लेना पसंद करेंगे या सीधे शबाब का शराब के बाद शबाब का मजा और ही बढ़ जाता है जहनसी सो तो है वैसे चंदा दिखाई नहीं दे रहे हुजूर आपने हुक्म कर दिया अब वो हाजिर हो जाएंगे चंदा तुम तो पहले से और खूबसूरत हो गई हो कहीं शादी करने का तो इरादा नहीं है शादी नहीं करना बस प्यार करना है हुजूर आप क्या उसे प्यार कहते हैं चलिए अब आपका जरा मूड बनाया जाए मैं म्यूजिक लगाती हूँ जरूर नमस्कार मैं गौरव चोपड़ा सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 30 लाख लड़कियां जिस्म फरोशी के व्यापार में लिप्त हैं आपने इन आंकड़ों को ध्यान से सुना 30 लाख जिसमें से 80% लड़कियां अपनी मर्जी के बगैर इस धंधे में कदम रखती हैं वैसे इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि आज भी हर रोज लगभग 200 लड़कियां इस देव व्यापार की काली अंधेरी दुनिया में धकेल दी जाती हैं। पर यह घटना बहुत ही अजीब थी जहां घर की एक बहू घर के अंदर अपने पति और सास से छुपकर एक सेक्स रैकेट चला रही थी चंदा जिसे वो अपनी बहन बनाकर इस घर में लाई थी वो उसकी बहन नहीं बल्कि सिर्फ एक वेश्या थी जो अपनी मर्जी से प्रिया के लिए काम कर रही थी आखिर प्रिया और चंदा इतना घटिया काम क्यों कर रहे थे क्या उनके घर वालों को कभी उनका सच पता चल पाएगा क्या कानून प्रिया तक पहुंच पाएगा क्या हुआ माँ जी आज आप बहुत थकी थकी लग रही हैं। हाँ बेटा थोड़ी थक गई हूँ रूम में जाके आराम करूंगी मेरी चाय रूम में ही भेज देना जी माँ जी
और आज का दिन आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। अरे चंदा, सॉरी जीजू, आज सुबह मैं आपको बाय नहीं कर पाई। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, मुझे पता है तुम्हें उठने में थोड़ी देर हो जाती है। वाओ जीजू, क्या बात है, अब बहुत अच्छे हो। इनफैक्ट आप समझदार भी हो। आपको पता है अगर दीदी आपसे शादी नहीं करती ना, तो मैं ही आपसे शादी कर लेती। आपको नहीं पता है जीजू, आप कितने अच्छे हो। बस बस रहने दो, शर्मिंदा मत करो मुझे। नहीं सच में, अगर आपने चंदा को हमारे साथ रहने की इजाजत नहीं दी होती तो पता नहीं मेरी छोटी बहन का क्या होता। अरे कमाल करती हैं आप, ये आपका भी तो घर है। जब से बीवी मायके गई है ना, खाने का स्वाद ही चला गया है, घर का खाना मिलता ही नहीं है। ओहो हो हो, वेलकम गुप्ता जी, वेलकम। सिंह साहब गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया सर। आज खाने में क्या है गुप्ता जी? आज खाने में मटर पनीर। ओ मटर पनीर, क्या बात है गुप्ता जी। पर आज आपके साथ ना मैं खाने के लिए नहीं बैठ सकता, जो बहुत ही पर्सनल काम के लिए बाहर जाना है। और हाँ, ये फाइल लीजिए, तिवारी जी आएंगे उनको दे देना। पक्का जी, मैं निकलता हूँ। ठीक है जी। संजय जी संभाल लेना ऑफिस में। ए जल्दी कर। अरे खींच ना, मैं तुझे खिलाती पिलाती नहीं हूँ क्या? अब मैं जा रही हूं तैयार होने, तू भी फ्रेश हो जा। आए हुजूर। अरे हुजूर, आप तो बड़े पसीने पसीने हो रहे हैं। घबराइए मत, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये जगह चुनी है। और ये जगह? जी ये बड़ा ही सुनसान इलाका है। पूरे शहर में इस काम के लिए आपको इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। पर, अरे परवर छोड़िए, ये तो देखिए मैं आपके लिए कौन सा नगीना लाई हूं। चंदा, ओ चंदा। सिंह साहब, ये है चंदा, और इस चंदा के चांदी के लिए आपको रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंदा, हमारे सिंह साहब के लिए एक बड़ा सा पैक बना दो। जी बिल्कुल। Cheers. Cheers. आप स्कूल की सबसे पुरानी टीचर हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पता करके आपको कल बताता हूँ। जी सर। गायत्री जी,
आपकी कॉपीज चेक करने गए। सिंह साहब, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं गिनने की? वो मैं कर लूंगी। दरवाजे खोलने में इतनी देर क्यों लगी? माँ जी, वो हाथ धो रही थी ना, वो तेल वाला हाथ था तो टाइम लगा। मैं आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ। बहू कहाँ गई? बेटा तुम कितनी अच्छी हो, आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। अब मैं चाहती हूँ तुम्हारी बहन भी तुम्हारे जैसे एक अच्छी बहू बने। जी माँ जी। बेटा इस उम्र में गलत आदतें लग सकती है, गलत लोगों से दोस्ती हो सकती है, जरा ख्याल रखना। माँ जी आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है, वो मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती। माँ वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना था, बुला लूं? अरे फिर इसमें पूछने की क्या बात है, बुला लो। तो मां मैं उसे कल बुला लेता हूँ। अब मुझे लगता है कि जब आप दोनों हो तभी उसे बुलाएं, क्योंकि अगर मैं घर पे अकेली रही और वो आ गया तो मुझे तो बिजली के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा तुम शाम को बुला लेना कल, या फिर संडे बुला लो। हाँ वो ठीक रहेगा। ठीक है तो मैं उसे संडे को बुला लेता हूँ। बेटा सच बताना, तुम सिगरेट पीने लगे हो क्या? माँ आप तो जानती हैं कि मुझे सुपारी के नाम से भी चक्कर आते हैं, सिर दर्द होने लगता है। प्रिया तुम भी? अच्छा बेटा बस सोच, तुम भी आराम कर। जी माँ जी, दीजिए। विनोद, विनोद, बहू, माँ, माँ क्या हुआ माँ? प्रिया माँ को ऐसा ना कर दिया को, तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी आप घबराइए मत, मैं अभी अभी करती हूँ। आस्ते धीरे धीरे हेलो, अभी अभी बेहतर है इसलिए गर्मा गर्म सूप पिला रही हूँ। हाँ मैं भी आपको यही बोलने वाली थी। बाय। इनका फोन था, आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे।
आप ना कुछ दिनों के लिए यहाँ पे मत आइएगा प्लीज। ये क्या बात हुई, कल तो हमारी बात हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना आप मत आइएगा अभी के लिए। आप जाइए, जब आना होगा ना मैं खुद फोन कर दूंगी। अभी के लिए आप जाइए। अरे ऐसे कैसे, हमारा तो मूड बन गया। तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा है। चल निकल ले यहाँ से, वरना 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 क्या कर लेगी तू? वरना तेरे कपड़े उतार के मैं इतने जूते मारूंगी कि तू यहाँ पे आने के लायक नहीं रहेगा। चल निकल निकल। जी यार जिंदगी झंड हो गई है, कुछ टाइम पास ही नहीं हो रहा है। ना मन के कपड़े पहन सकते हो, ना दारू पी सकते हो, ना सिगरेट पी सकते हो। तुझे सिगरेट दारू की पड़ी है, बहुत अय्याशी सूझ रहा है या फिर धंधा चौपट होने वाला है। अब तू क्या करेगी? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, और जब तक मैं रास्ता नहीं निकाल लेती तुझे बाहर जाके धंधा करना पड़ेगा। विनोद, मैं एक बात सोच रही थी कि मैं तो पूरे दिन बिजी रहती हूँ, घर के कामों में समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन चंदा पूरे दिन ना घर पे बोर हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कि अगर वो सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर ले तो उसका मन भी लगा रहेगा और एक नई चीज वो सीख भी लेगी। हाँ प्रिया, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं तो कहता हूँ कि आजकल कंप्यूटर का जमाना है, अगर चंदा कंप्यूटर का कोर्स करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विनोद, ये तो बड़े पति की बात कही आपने, आजकल लड़कियों को कंप्यूटर आना चाहिए। विनोद आप कितने अच्छे, भगवान करे आप ही हर जन्म में मेरे पति बने। अरे यार परफ्यूम लेना तो भूल ही गई। माची आप किसका है ये? कैसे अजीब ड्रेस है ये? जी जी वो टीचर ने दिया है डिजाइन कॉपी करने के लिए। तुमने तो कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था ना, तो फिर ये डिजाइन कॉपी। वो कंप्यूटर पे डिजाइन बनाते हैं ना, वो ड्राइंग बनाते हैं ना, तो इसकी टीचर ने इस ड्रेस के डिजाइन को ड्राइंग करने को कहा है कंप्यूटर पे, है ना चंदा? हाँ माँ जी। हाँ दीदी। हाँ चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ दूँ। हाँ तुम्हारे बहन के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, इस सब के बारे में तुम्हें पता था? हमारे गैर हाजिरी में यहाँ पे क्या होता था बहू, जवाब दो, भगवान के लिए कुछ तो बोलो।
बुढ़िया, बहुत ज्यादा पकड़ पकड़ कर रही है तू। क्या जानना चाहती है तू? हाँ, क्या जानना चाहती है? मेरी बहन मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करती। सही कहा था, वो जो भी करती है मेरे सर पे करती है। पता है, उससे तेरे ही घर से धंधा कराती हूँ। हेलो, उठो माँ। बाजी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। बाजी, एक बच्चे के सर से उसके माँ बाप का साया उठ जाना बच्चों के लिए सबसे दुखद घड़ी होता है, और इसी दुखद घड़ी से विनोद गुजर रहा था। वो प्रिया की बातों में आकर इस हत्या को मौत समझ रहा था। प्रिया अब दरिंदगी पर उतर आई थी। अपने एक अपराध को छुपाने के लिए वो और कितने अपराध करेगी? क्या अपनी माँ की तरह अगर विनोद को भी उसकी सच्चाई का पता चल जाए तो क्या वो उसकी भी हत्या कर देगी? नहीं सर, आज काम हो ही नहीं सकता सर। सर, मुझे भी पर्सनल काम होते हैं। कल आप आइए, कल आपका काम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए मैं रखता हूँ। अरे गुप्ता जी, कहाँ चल दिए? सिंह साहब, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तो क्यों ना हम लोग। हाँ हाँ, तो साथ चलिए ना। दो मिनट रुकिए, बस बैग लेके आया मैं। हाँ ठीक, चलिए चलिए चलिए। मैं तो कहता हूँ गुप्ता जी, कभी आप भी हमारे साथ चलिए, वो आपको मजा ही आ जाएगा। सिंह साहब, मैं तो आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरी मानिए तो आप भी ये छोड़ दें। पता है क्या है, ये ऐसा चक्कर है जिससे ना आपका कभी मन भरेगा और ना ही आपको कभी शांति मिलेगी। ओ बस 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 विनोद जी, आ गई हमारी मंजिल। ये जगह, ओ विनोद जी, यही तो है हमारी जन्नत। सिंह साहब, तो यार यहाँ पर ना बड़े गुप्त तरीके से ना धंधा होता है। उस शहर के जितने बड़े लोग हैं यहाँ आते हैं। विनोद यार, मुझसे तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं चलता हूँ, तेरे को सुबह मिलता हूँ ऑफिस में, ठीक है? भाई साहब, आपको किससे मिलना है? अरे क्यों मजाक कर रही हो, मुझे पहचानते नहीं क्या? जब मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मैं पहचानूंगी कैसे? मुझे लगता है आप गलत घर में आ गए हो। क्यों मजाक कर रही हो, अंदर आने दो। अरे भाई साहब,
मैं कह रही हूँ ना, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप गलत घर में आ गए हैं, अभी आप जाइए। अरे भाई साहब जाओ। अरे अरे मेरे विनोदा, ये तुम्हारा ही घर है, आ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बातें करनी है। चंदा अपने कमरे में जा, आज एक पत्नी अपने पति से कुछ प्राइवेट बात करना चाहती है। विनोद शराब पियोगे? पियो ना, बड़ी अजीब चीज है ये शराब, सारे गमों को भुला देती है। पियो ना। विनोद, तुम जो सोच रहे हो ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं यहां से धंधा चलाती हूँ। इस शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपने गमों को भुलाने आते हैं। तुम ऐसा सोच रहे होगे ना कि मैं ये क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, और इतना अमीर बनने का इससे आसान रास्ता मुझे नहीं मालूम। पता है, मैंने इस काम के लिए ना बहुत मेहनत की है, और अगर इसके बीच में कोई आ जाएगा ना, तो मैं उसे दस लूंगी। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? इस काम में मेरा साथ देना चाहते हो या अपनी माँ की तरह मरना? हम लोग ना बहुत सारे पैसे कमाएंगे, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। अब तू दो लड़के और भेज दे। अरे नहीं नहीं, सिर्फ 10 से 6, सोमवार से शुक्रवार। लड़कियां एकदम आइटम होने चाहिए, समझ में आया? चलो, 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 चलो
इसने मेरी माँ का खून किया है। आप चिंता मत करो, इनसे एक एक जुर्म कबूल करवा लेंगे। चलो लेके इन लोगों को। छोड़िए। ए चल सिरा। मैं छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ मुझे। प्रिया को देह व्यापार करवाने के आरोप में भारतीय संविधान के इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत गिरफ्तार किया गया। हवालात में पुलिस द्वारा गहरी पूछताछ करने पर प्रिया ने कबूल किया कि उसने अपनी सास की हत्या की, जिसके बाद उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया। 2 साल के बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। हम मानते हैं कि पैसों की जरूरत हर किसी को होती है, पर जब ये जरूरत लालच में बदल जाए तो इंसान खुद ही तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है और अपनी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। आइए मिलकर एक अच्छी जिंदगी बनाएं, एक अच्छा समाज बनाएं, अपराध के खिलाफ सतर्क हो जाएं। जब आप और हम सतर्क हो जाएंगे तो सावधान हो जाएंगे। आइए मिलकर अपने देश को एक सुरक्षित देश बनाएं। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां इंडिया क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।